आज सुबह से बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि देखिए पूरा खेत पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में बहुत बुरे हाल हैं, लगातार बारिश होती जा रही है, धूप निकल नहीं रही, तो इसलिए गार्डन में काई सी जमने लगी है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ अब गार्डन हरा भरा होने लगा है। हमारा टेरेस गार्डन जो कभी बहुत हरा भरा होता था फिर उजड़ गया था, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, अब फिर से थोड़ा सा अपने पुराने रूप में आना शुरू हो गया है। और आज मुझे थोड़ी हार्वेस्टिंग भी मिलने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा अपडेट, ये बहुत फैल गए हैं विंका जो अपने आप निकले थे, तो ये अब दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बैंगन है, तो ये बैंगन को भी इसने पूरा ढका हुआ है, तो ये टहनियाँ मुझे इसकी काटनी पड़ेंगी। ये हरी मिर्च की पौध मैंने लगाई थी और उसको शिफ्ट कर दिया था, ये बारिश झेल गई हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं पौधे। एक पौधा यहाँ से ख़राब हो गया था तो एक और पौधा मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी मिर्ची के पौधे लगाए हैं। और ये बैंगन की शिफ्टिंग भी मैंने कर दी थी, ये पौधे भी बिल्कुल ठीक हैं। ये पालक अपने आप उगाई थी लेकिन उसको निकालना तो है ही, लेकिन कुछ टमाटर मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, ये दो टमाटर के पौधे और दो इस ग्रो बैग में, ये दोनों भी चलने लगे हैं बड़े बढ़िया से। और ये दो ही पौधे उगे थे भिंडी के, ये भी अच्छे हो रहे हैं। एक हलवे की बेल उग गई थी और एक दो बीज मैंने और लगाए थे, उसमें से एक बीज उग गया है। इस ग्रो बैग में ये हल्दी अपने आप निकल आई है, ये एक कॉर्न लगा हुआ है और ये लाल भाजी के प्लांट्स भी अपने आप ही उगाए हैं। और ये बीन्स हैं, तो शायद मैंने लगाए होंगे, भूल गई हूँ बीज कभी, तो ये बड़े अच्छे पौधे हो गए हैं, ये फ्रेंच बीन्स हैं। और दूसरी लंबी वाली जो यार्ड बीन्स हैं वो भी बढ़ने लगी हैं बहुत अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर ये अब चढ़ने लगी हैं। ये कुछ इसको ट्रेन करना पड़ेगा, कुछ टहनियाँ इधर उधर इसकी फैल रही हैं। यहाँ पर जो बीज लगाए थे करेले के वो अभी नहीं उगे हैं। और ये एक ही बीज जो उगा था तोरी का, ये बेल भी काफ़ी बढ़ने लगी हैं, तो इसको अब यहाँ पर चढ़ा दूंगी मैं इस रस्सी पर। ये मकई का प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और एक बीज ये साथ में डाला था वो भी उग गया है, बीज तो ज़्यादा डाले थे लेकिन एक ही उगा है, तो चलिए दो प्लांट्स इसमें हो जाएंगे, बहुत है। इन बैंगन के पौधों की तो प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और फ्रूटिंग इस पर अभी हुई नहीं है। यहाँ पर इन सीमेंट के गमलों में मैंने जो तीखी वाली मिर्च है उसके मेरे पास थोड़े से बीज थे जो मैंने डाले थे, चार पौधे उगे थे, तीन मैंने पहले शिफ्ट कर दिए थे और एक पौधा आज मैंने शिफ्ट कर दिया है इस मिर्च का। और ये इंसुलिन का प्लांट है, इसकी भी कटिंग करूंगी मैं। और ये घिया की बेलें तो बहुत अच्छी हो रही हैं। इस पेटी में मैंने जुकीनी के बीज का एक बीज लगाया था, वो उग गया है। और यहाँ पर जो मैंने जुकीनी के बीज लगाए थे, तीन बीज लगाए थे, उसमें से एक भी अभी नहीं उगा। इसके साथ ही ये लौकी या घिया के मुझे याद नहीं है ये बीज लगाए थे, तीनों बेलें बहुत अच्छी बढ़ने लगी हैं, तो इनको भी ऊँचे मुझे ऊपर ट्रेलिस पर चढ़ाना पड़ेगा। और जो पुरानी बेलों पर फ्रूटिंग हो रही थी, देखिए ये घिया बहुत अच्छा हो गया है, बारिश की वजह से मच्छर बहुत हो गया है तो उससे भी बचना पड़ता है, तो ये घिया इसकी आज हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे। ये देखिए ये हो सकता है अभी और थोड़ा बड़े, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे तोड़ लेंगे उतने ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है, इस पर जब लुई हो तभी इसको तोड़ लेना चाहिए। और उसके बाद ये एक दो दिन में ये लौकियां तैयार हो जाएंगी, एक ये लौकी है और एक इस तरफ लौकी है, तो ये दोनों लौकियां भी तैयार हो जाएंगी, फिर मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर खीरे के बीज लगाए थे वो तो नहीं उगे, घास फूस फिर से उग गया है, यहाँ भी खीरे के बीज लगाए थे और वो एक बीज जो पुराना था वो उगा था, वो अभी बेल थोड़ी बढ़ने लगी है। पौध अभी मेरे पास है, यहाँ पर जो पौध थी वो मैंने शिफ्ट कर दी है, ये मिर्ची के कुछ पौधे अभी हैं तो इसमें से जो मैं बाकी के पौधे निकाल लिए हैं तो फिर ये इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी अब। और ये बैंगन और टमाटर के पौधे हैं तो इनको भी मुझे शिफ्ट करना होगा, उसके लिए मैं ग्रो बैग्स तैयार करूँगी और फिर इनको शिफ्ट कर दूँगी अरबी। और साथ में ये देखिए घास फिर से कितना
बढ़ गया है और इसमें ये सीड्स निकल आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घास आपके गार्डन में से ख़त्म हो जाए तो उसको इस स्टेज पर मत आने दीजिए। सीड आने से पहले ही घास नदीन जो भी हैं वो सब निकाल दीजिए, उनको सूखने के लिए रख दीजिए और या तो फेंक दीजिए या आप ग्रो बैग भरते वक्त उसको सबसे नीचे डाल दीजिए सूखे हुए घास को, फिर दोबारा नहीं होगा। अब अगर इसको मैं डालूंगी क्योंकि इसमें बीज हैं तो ये खूब उग जाएंगे, इसके बीज इधर उधर बिखरेंगे भी और फिर गार्डन में घास ही घास हो जाएगा। और यहाँ पर भी अरबी के प्लांट्स लगे हुए हैं, अच्छे हो गए हैं। सो ये था छोटा सा ओवरव्यू मेरे टेरेस गार्डन का। बादल अभी भी छाए हुए हैं, धूप निकली है लेकिन बादल हैं। तो इससे पहले कि फिर से बारिश आ जाए मैं जो छोटी सी हार्वेस्टिंग करने वाली है वो कर लेती हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।